गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डेली व्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैक पेन का समस्या बहुत रहता है, जनरली सभी को रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे बैक प्रॉब्लम का समस्या बढ़ जाता है, वीक होते जाता है बोन। तो कुछ आप टिप्स अपनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका बैक पेन की समस्या थोड़ा कम होगा। उसमें आपका रहन सहन हर चीज पे निर्भर करता है। आप ज्यादा वजन वाला सामान नहीं उठाइए एज आफ्टर 40 एज। यंग है तो आप उठा भी सकते हैं, थोड़ी देर टाइम के लिए आपको जर्क सा लगेगा कि दर्द है, फिर ठीक हो जाता है नॉर्मल। या आप तो एक्सरसाइज डेली करते हैं या तो वॉक डेली करते हैं, उससे भी आपका बॉडी आपका स्ट्रांग रहता है, बैक स्ट्रांग रहता है। अगर नहीं करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, तो आपका अपना डेली रोजमर्रा का जो है रोजमर्रा का जो जिंदगी है उसको आप थोड़ा सही तरीके से करेंगे रहेंगे तो उससे आपका लाइफ सही होगा, ये सब परेशानी नहीं होगा। बैक पेन की समस्या बहुत ही मुश्किल होता है, उससे क्या आपको करवट मारने में, कहीं भी जाने में या घूमने में या सीढ़ियों से उतरने में बहुत ही कठिनाई होता है। तो उससे उसके लिए आप डे बाय डे डेली लाइफ में आप कुछ कुछ उपाय अपनाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको नहीं आएगा समस्या। एक तो क्या है, अगर बैक में तो आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो तो आप क्या करेंगे, बैक में पिलो लेके आप बैठिए। और सोने का जहां तक बात है, मैट्रेस बहुत तरह तरह का आता है, तो आप क्या कीजिए कि ये जो मैट्रेस है जो बहुत गद्दे वाला है उसको यूज मत कीजिए, बहुत फ्लफी जो है उसको यूज मत कीजिए, और बहुत बहुत हाफ फ्लफी भी यूज मत कीजिए। आप थोड़ा सा जो है, जैसे इसमें आप देखिए, ये हमने मैं यूज करती हूँ, इसमें थोड़ा सा इसमें स्पंज का लेयर है हल्का सा, अब बाकी स्ट्रेट है। इस तरह का करेंगे तो आपका कमर स्ट्रेट होगा, आप सोएंगे तो आप स्ट्रेट सोएंगे, जिससे कि आपका बैंड नहीं होगा कमर और आपका वो समस्या बैक का समस्या नहीं होगा। इस तरह कर आपको, मैं नेक का भी प्रॉब्लम होता है, गले का भी, तो उसके लिए भी आप जो है जो डेली यूज करते हैं पिलो, उसके लिए ये हार्ड पिलो मत यूज कीजिए। ये हार्ड पिलो जो है नेक का प्रॉब्लम इसमें आएगा, तो इस तरह का हार्ड पिलो यूज मत कीजिए। ये देखिए, ये हार्ड पिलो मत यूज कीजिए, इसके लिए आप सॉफ्ट पिलो यूज कीजिए, आप सॉफ्ट पिलो यूज कीजिए। ये देखिए सॉफ्ट, इसमें ये ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, आपका मैट्रेस से ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, और इसमें आप अपना गर्दन रखिएगा, गले सर रखेंगे तो इसमें और इसमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो इसीलिए अगर करवट मारते हैं आप या उस साइड या दोनों साइड तो आपका ज़्यादा गैप नहीं रहेगा गले में और इसमें सोने में, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में ये बहुत सॉफ्ट है, तो हमेशा सॉफ्ट पिलो इस्तेमाल कीजिए और मैट्रेस बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, ज़्यादा इसमें फ्लफी नहीं हो, ज़्यादा स्पंज नहीं हो या स्प्रिंग वाला मत कीजिए। इस तरह कर छोटा मोटा उपाय जो मैं खुद करती हूँ आपको बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।